मनीष कश्यप अपने जगह पर है और उम्मीद है कि एक महीने के अंदर बाहर रहेगा वो। एक महीने के अंदर बाहर रहेगा वो। कुछ बेवकूफ टाइप के यूट्यूबर हैं जो इस तरह के सवाल करते, काला पानी कहाँ अभी है, काला पानी होता क्या है पता है उसको, काला पानी कहाँ होता था मालूम उसको है, कुछ जानता ही नहीं, काला पानी सजा हो गई है, फांसी हो जाएगा, कल उसको गोली मार दिया जाएगा, जितना बोल रहे हैं बोलिए आप लोग। डॉक्टर कि वापस उसको तमिलनाडु लेके चले जाएंगे, वैसे लोग की मानसिकता है, उन लोगों को इलाज की जरूरत है, हत्या कर देंगे गोली मार देंगे तो नहीं कहा है, उसने कहा सरकार गिरा देंगे, तो रोज बोलता है लोग, लालू जी बोलते हैं भाजपा मोदी जी को गिरा देंगे, गर्दन का नस फट जाएगा, चिचियाइए मत, क्या क्या बोलते रहते हैं, कहां कभी केस होता है उन पर, उसका बोलना गलत है, हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस बोलने पर उसको फांसी दे दीजिएगा ये गलत हो जाएगा। अभी मनोज झा जी का प्रकरण सुन लीजिए, आनंद मोहन जी का प्रकरण सुन लीजिए, उससे बेसी मीडिया में वायरल हो रहा है वो चीज, कहां एनएसए लग रहा है, स्टालिन जहां एनएसए लगाया गया था वो क्या क्या बोल गया सनातनियों के बारे में, कहां एनएसए उस पर लगा, उनका बेटा, तो ये दोहरी नीति क्यों सरकार लगाती है भाई। कुछ लोग तो मनीष कश्यप को काला पानी की सजा भी सुना रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप फिर से तमिलनाडु चला जाएगा। इसके बाद अभी हमारे साथ एसके मिश्रा सर भी मौजूद हैं, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे, क्योंकि मनीष कश्यप मामले में लगातार नई नई अपडेट के साथ आते रहते हैं और जो भी नई जानकारी होती है सर अपने माध्यम से रखते रहते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से रखते रहते हैं। सर एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मनीष कश्यप का मामला जो कि काफी थम सा गया था, काफी ठंडा चल रहा था, लेकिन अचानक से फिर से मनीष कश्यप दहाड़ मार देते हैं, सर ये सही था या गलत? एक चीज बताइए, आप लोग कभी किसी बकरी को कटते हुए देखे होंगे, जब एक बकरी को काटने के लिए कसाई जब तलवार या जो चाकू उठाता है तो क्या बकरी प्रतिरोध नहीं करती है, वो एक बार बचने का प्रयास करती है और जितना जोर है वो लगाती है कि काश हम बच जाए। मनीष का हालत यही हो गया है, पूरी सरकारी तंत्र उसके पीछे लगा हुआ है और जितने भी लोग हम देख रहे हैं मीडिया में या कमेंट्स देख रहे हैं, अनाप शनाप बोलना, कोई निशांत वर्मा है, कोई और भी लोग देख रहे हो जो बोलते रहते हैं लोग उसके बारे में, क्या बीतती होगी उस आदमी पर, जब वो न्यायालय में भी आता है, जब भी कमेंट सुनता है, वो क्या लगता होगा उसको, क्या गुनाह किया है वो, मैंने ऐसा कोई संगीन अपराध कर दिया है वो, उससे बेसी अधिक अपराध तो डेली हो रहा है यहाँ पर। अभी मनोज झा जी का प्रकरण सुन लीजिए, आनंद मोहन जी का प्रकरण सुन लीजिए, उससे बेसी मीडिया में वायरल हो रहा है वो चीज, कहां एनएसए लग रहा है, स्टालिन जहां एनएसए लगाया गया था वो क्या क्या बोल गया सनातनियों के बारे में, कहां एनएसए उस पर लगा, उनका बेटा। तो ये दोहरी नीति क्यों सरकार लगाती है भाई, जैसे हम एक बिहारी बंदे को तमिलनाडु में एनएसए लगा के असिस्टेंट कर लिया गया तो फिर स्टालिन पे क्यों नहीं ऐसा हुआ, बिहार में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है और के प्रति में। तो ये काला पानी की सजा देना, कुछ बेवकूफ टाइप के यूट्यूबर हैं जो इस तरह के सवाल करते, काला पानी कहां अभी है, काला पानी होता क्या है पता है उसको, काला पानी कहां होता था मालूम उसको है, कुछ जानता ही नहीं, काला पानी सजा हो गई है, फांसी हो जाएगा, कल उसको गोली मार दिया जाएगा, जितना बोल रहे हैं बोलिए आप लोग। मनीष कश्यप अपने जगह पर है और उम्मीद है कि एक महीने के अंदर बाहर रहेगा वो। एक महीने के अंदर बाहर रहेगा वो, एक महीने के अंदर। कुछ लोग तो कह रहे कि वापस उसको तमिलनाडु लेके चले जाएंगे, वैसे लोग की मानसिकता है, उन लोगों को इलाज की जरूरत है, जो इससे बोले कि भाई काला पानी हो जाएगा, फांसी हो जाएगा मनीष कश्यप को, तमिलनाडु किस ग्राउंड भेज दिया जाएगा। कोर्ट ने जब आदेश दिया है कि भाई ये बिहार में उस पर तमिलनाडु में जो उसका बेल तो हो गया वहां पर, एक एनएसए पेंडिंग है, तो एनएसए के लिए कोई क्षेत्र नहीं है, एनएसए का मतलब कि आपको डिटेंड करना है, उसको सस्टेन करना है, कस्टडी जेल नहीं भेज देना है उसको, और कस्टडी कहीं हो सकता है, कमरे के अंदर हो, रोड पर कहीं बंद कर दें, डिब्बा में कहीं बंद कर दें हम, कहीं बोगी में बंद कर दें हम, तो इसके लिए तमिलनाडु की जरूरत क्या है। कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि वो बिहार में ही, चूंकि मामला बिहार में चल रहा है, तमिलनाडु कहा जाएगा फिर वो, फिर तमिलनाडु से लाने और ले जाने का खर्च कौन देगा, वो जो यूट्यूबर लोग बोल रहे हैं वो देगा लो खर्च, एक कैदी को ले जाने में और लाने में कितना खर्च होता है पता है आपको, इतने पुलिस वाले साथ जाएंगे फिर वहां से लेके आएंगे, ये कौन कौन भी करेगा, बिहार सरकार। और अगर बिहार सरकार इस दे रही है, इसका मतलब इंटेंशन खराब बिहार सरकार का है, जब वो ऑलरेडी जेल के अंदर। अब रही बात कि उसने न्यायालय में कुछ कह दिया, हाँ ये गलत है, न्यायालय में जो उसने कहा या आवेश में उसने जो भी कुछ बोला है वो गलत है, हम समर्थन नहीं करते उस बात का, क्योंकि न्यायालय की अपनी मर्यादा होती है, लेकिन सवाल तब उठता है जबकि उसके साथ और पुलिस वाले लोग थे, उन्होंने क्यों नहीं रोका उसको, ये पुलिस वाले भी सुन रहे थे वहां पर, चार लोग सस्पेंड हो गए। चलिए अब ये कि कोई यूट्यूबर वहां जाके और वीडियो, नहीं ऐसा नहीं हुआ था, कोई व्यक्ति अपने मोबाइल से वीडियो बनाया था, उसने उस वीडियो को वायरल किया और जितने यूट्यूबर्स हैं या मोबाइल वाले हैं उसको लेके अपना घुमा रहे हैं उसको, भाई लगता है वो कैप्चर कर लिया उसको है, उसने यही कहा था मैं सरकार गिरा दूंगा, जो उसने पहले भी कहा था, ये गलत है। हम शुरू से कह रहे हैं कि इस तरह के बयान देना किसी भी आदमी के लिए गलत है और इस पे एफआईआर हो सकता है, फिर इन पर हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है एफआईआर,
लेकिन न्यायालय चाहे तो कर देगा, क्योंकि न्यायालय परिसर के अंदर आप कैमरा लेके नहीं आ सकते हैं, न्यायालय परिसर में आप शूटिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पब्लिक प्लेस नहीं है, वो जुडिशियल प्लेस है, वहां पर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसा किया गया तो कहीं ना कहीं अपराध तो हुआ ही है, FIR तो होना ही चाहिए उस यूट्यूबर पे जिसने ये फोटो कैप्चर किया, साथ में उस पुलिस वाले पे जिनके सामने ये हुआ, वो तो कैदी है, आवेश में है वो। एक आदमी को आप कमरे के अंदर बंद कर दीजिए, सेल में डाल दीजिए, किसी से मत मिलवाइए, और जो बता रहा है वो कि उतने उस तरह के कैदियों के बीच रखा गया है उसको जानबूझ के, उसको कि वो टेररिज हो सके, वो आतंकित हो सके, वो डरा रहे हैं हमेशा, स्मैकियर हैं, गांजा वाले हैं, सब तो पोल खोल रहा है वो, कि अभी गाड़ी में जो बैठे हुए लोग हमारे साथ में सब स्मैक ले रहा है, स्मैक कहाँ से मिल जा रहा है उन लोग को, गांजा कहाँ से मिल जा रहा है उन लोग को, सिगरेट कहाँ से मिल जा रहा है। हम तो न्यायालय में हैं, हम रोज देख रहे हैं पुलिस वैन से कैदी उतरते हैं, जितनी दुकान वहां है खैनी का, तंबाकू का, सिगरेट का, सब सब मिलता है उनको, अब पुलिस वाले लाके देते हैं वहां पर, क्यों नहीं एक्शन उन पर होता है। तो एक आदमी अगर ऐसा बोल रहा है, उसका बोलना गलत है, हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस बोलने पर उसको फांसी दे दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। सर तो क्या क्या उस पर सजा, चूंकि पुलिस कर्मी को सस्पेंड कर दिया गया, जो जिसने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था उन पर भी कार्रवाई की जा रही है, मतलब उनको ढूंढा जा रहा है। तो सर मनीष कश्यप चूंकि वो तो परेशान थे, जो भी जिस कारण से भी उन्होंने यह बात बोली, मतलब जो भी बात उन्होंने बोला, उस पर उन पर क्या कार्रवाई हो सकती है? कोई कार्रवाई उस पर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कोर्ट के अंदर इजलास में दोस्तों कुछ नहीं कहा है, ये घटना रोड की है, हाजत है, हाजत के बाहर उसने जो भी कुछ कहा है, तो ये कोर्ट के कैंपस में नहीं, वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का रोड है जहां उसने ये कहा था, कैंपस परिसर से बाहर, कैंपस तो अलग था, कैंपस परिसर से बाहर उसने कहा है। अब वो जो भी कुछ कह रहा है तो बोलने का यही तो हर किसी को है, उसने कहा कर देंगे, मैंने किसी की हत्या कर देंगे, गोली मार देंगे, तो नहीं कहा है उसने, कहा सरकार गिरा देंगे, तो रोज बोलता है लोग, लालू जी बोलते हैं भाजपा मोदी जी को गिरा देंगे, गर्दन का नस फट जाएगा, चिचियाइए मत, क्या क्या बोलते रहते हैं, कहाँ कभी केस होता है उन पर, मोदी जी कभी कभी आके बोल देते हैं, आप देखिए बंगाल में क्या क्या दीदी के बारे में कितना कमेंट कर रहे थे, वो केस कर दिए उन पर, फिर सरकार गिरा देंगे और ये कर देंगे, ये कोई ऐसा वायलेंट चीज नहीं है कि भाई बहुत दंगा फैल जाएगा इसके लिए। तो हम लोग भी ऐसे बोलते रहते, नेचुरली हर लोग बोलता है, आपको बोलने की लिबर्टी है, हमारा संविधान ये कहता है कि हम बोल सकते हैं, हमारी आजादी है, अपने को अभिव्यक्त करने की आजादी हमारे पास में है, हाँ, लेकिन गाली गलौज करना और धमकी देना नहीं, सरकार गिरना धमकी थोड़ी है, तो हर लोग बोलता है, अपोजिशन पार्टी रोज बोलता है, अगर ऐसा है तो जो मोशन हम लोग पेश करते काहे करते हैं, इम्पीचमेंट काहे लाते हैं हम लोग, सरकार गिराने की एक्टिविटी की जाती है असेंबली पार्लियामेंट में, ये तो बोल रहा है, आप तो वहां दिखाते हैं करके, जो आप इम्पीचमेंट करते हैं और जो अभी अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, क्या है वो, सरकार गिराने के ही लाते हैं, आप तो कर्म कर रहे हैं, कहीं यहाँ पे केस हो जाता है, फिर इस सब बकवास की बातें हैं, इन बातों में बहुत दम नहीं है, कोई मुकदमा नहीं होगा, ठीक है, कोई तथ्य नहीं है मुकदमा करने के लिए। सर आप लगातार जिस तरह से मनीष कश्यप का अपडेट देते थे, आप कहते थे कि मनीष कश्यप बहुत जल्द बिहार आएंगे, और मनीष कश्यप बिहार आए, बिल्कुल, तो सर अब क्या मनीष कश्यप अब जेल से कब रिहा हो जाएंगे? अमूमन एक महीना और लगेगा, मैक्सिमम एक महीना लगेगा, मनीष बाहर रहेगा, एक महीने के बाद मनीष कश्यप बाहर रहेंगे। हाँ, अब जो NAC का लफड़ा है वो भी खत्म होगा, यहाँ से ही बेलिंग का होगा, बाहर आ जाएगा वो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए हमने आप लोगों को लगातार इससे पहले भी दिखाया था मनीष कश्यप के मामले में जो भी नया अपडेट आता था, सर के साथ हमारी बातचीत होती थी, आपका जो प्रश्न होता था उसको भी लेकर के हम सर से बातचीत कर लिया करते थे, और जो भी आपका सवाल रहता था उसको सर के सामने रखते थे, और सर सारी बातों को रखते थे, सारी बातों को अपने माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से बताते रहते थे। आगे भी बने रहेगा इस तरह की और भी अपडेट के साथ हम आपके पास आते रहेंगे, और आपका जो भी प्रतिक्रिया हो, जो भी प्रश्न हो, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और अगले वीडियो में फिर से हम सर के साथ आएंगे। अभी चाहूंगा इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।